पंचकुला नगर निगम चुनाव में नवनिर्वाचित महापौर कुलभूषण गोयल एवं नौ पार्षदों ने केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया से उनके निवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा भी उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों को बधाई देते हुए निगम के विकास में नई पारी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। व्यान जी के नेतृत्व में ये चुनाव हमने यहाँ पर लड़ा है और बहुत बेहतरीन जो है उसके परिणाम देखने को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है और बीजेपी और जजपा के बहुत से प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं। हमने यहाँ की जनता को पूरा विश्वास दिलाया था कि हम एक पारदर्शी प्रशासन देने के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, उसमें हमें कामयाबी मिली है और जो जो वादे हमने इस चुनाव में पंचकुला की जनता के लिए किए हैं उन सब वादों को पूरा किया जाएगा। और आज आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर और मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन पर यहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। हम यहाँ की जनता का बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है और हम आगे भी कड़ी मेहनत के माध्यम से यहाँ के लोगों का दिल जीतें। सर्वप्रथम तो मैं आज नव वर्ष के इस अवसर पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, विशेष तौर पर पंचकुला की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला साल आपके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए। जहाँ तक नगर निगम पंचकुला के अंदर जीत का बात है, ये जीत पंचकुला की जनता की जीत, पंचकुला के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों की जीत है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और विकास की जीत है। जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चहुंमुखी विकास कर रहा है, आज मैं समझता हूं कि पंचकुला की जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई है, विकास के ऊपर मोहर लगाई है। और पंचकुला के जो नरेंद्र मोदी जी का विशेष विशेष जो उनका आशीर्वाद रहा है, आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, हमारे जल शक्ति मंत्री केंद्रीय, हमारे विधानसभा के स्पीकर आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने जिनके आशीर्वाद से और पंचकुला की जनता के आशीर्वाद से मुझे मेयर पद पर असाइन किया है। मैं सारी भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय कटारिया साहब का बहुत बहुत आभार। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।